वालेकुम, आज बनना चाह रहा है स्पाइसी मटन। बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस बनता है। आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी मटन बनाने के लिए मैंने ले लिया मटन। ये मेरे पास तकरीबन हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 4 छोटे टमाटर हैं, बहुत बड़े नहीं हैं मैंने ले लिए। बड़े हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। हरी मिर्चें, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए जाएगा। अच्छा, अब हम इसके स्पाइसेस की तरफ आते हैं। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च सुर्ख 1 टीस्पून, हल्दी मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका लीजिएगा, मैंने 1 टेबलस्पून लिया हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, उसके साथ ही मैंने ले लिया पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ जीरा, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा मैंने ले लिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने होल गरम मसाला ले लिया पिसा हुआ, ठीक है। लीमू का रस मैंने लिया, मेरे पास मैंने क्यूब्स के फॉर्म में फ्रीज किया हुआ था, आप 2 लीमू का रस ले लीजिएगा। होल गरम मसाला साबुत मैंने ले लिया, मुझे ज़रूरत पड़ेगा, और दही मैं यूज़ करूँगी 4 टेबल स्पून। ये शायद थोड़ा सा मेरे पास ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगी, 4 से 5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा। प्रोसीजर शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़े थोड़े स्पाइसेस मटन के अंदर ऐड करूँगी, जिस तरह के हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून आपको दिखाई थी, तो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी और बाकी मसाले में ऐड करूँगी। इसी तरह पिसी हुई जो मिर्च मैंने आपको बताई है उसको भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी, नमक ले लेंगे हम, इसके साथ ही भर के मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। जो मैंने आपको जीरा बताया था पिसा हुआ, 1/2 में इसमें ऐड कर दूंगी, 1/2 में मसाले में ऐड करूंगी। इसके साथ ही इसमें जाएगा जो लीमू का रस मैंने आपको बताया है उसको मैं ऐड करूंगी, और ऐड करके, ये मेरा अभी भी पिघला नहीं है प्रॉपर, तो इसको मैं ऐड करके साथ ही इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। लीमू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया, इस सारे को मैं अच्छा सा मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मुझे इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ऑयल लेंगे हम हसबे जायका, सॉरी हसबे ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा, उसमें प्याज जो मैंने आपको बताया वो ऐड करेंगे, हल्का सा प्याज कलर चेंज करना शुरू करे। इसमें साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला और हरी मिर्चें ऐड करनी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी स्टेज में इसमें साबुत गरम मसाला और साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। एक से 1.5 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूंगी, और उसके साथ ही मैं इसमें मटन ऐड करूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मटन, तकरीबन 1 घंटा मैंने मटन को मसाला लगा के रख दिया। अब मैं इसको फ्राई करूंगी, फ्राई करके साथ साथ आप 2 से 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूंगी, और फिर इसके अंदर मैं स्पाइसेस को ऐड करूंगी। आप मटन की मिकदार जब बढ़ाएंगे तो मसालों को भी बढ़ा दीजिएगा। मेरे पास तकरीबन ये 3 पाव से थोड़ा सा कम है, और 1/2 kg से ज़्यादा, तो मैंने इसलिए उस हिसाब से ही आपको मसाले बताए हैं, आप मसाले बढ़ा लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, चंद सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी, जब तक इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, और फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। अब इसमें मैं सबसे पहले मिर्च ऐड करूँगी, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, भुना पिसा हुआ जीरा, इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे, और अब मैं इसकी भुनाई करूंगी, साथ साथ भुनाई करूंगी, जैसे ही टमाटरों का पानी खुश्क होगा साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी।
इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून दही। मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया, मेरे पास ज़्यादा था। अब फिर मैं इसको हल्का सा भूनूंगी और उसके साथ ही इसमें मैं 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर दूंगी और इसको मैं 30 से 35 मिनट के लिए रख दूंगी दम पे। उसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड करूंगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट में गोश्त गल जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पानी भी खुश्क हो चुका है, मेरा मीट भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब मैं इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करूंगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें और जुलियन कटी हुई अदरक हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद, क्योंकि इसकी मैंने पहले भी काफ़ी सारी भुनाई की थी टमाटरों के साथ, मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर और फिर साथ ही आपको दिखाती हूँ। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर पिसा हुआ होममेड गरम मसाला ऐड करूंगी, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और 1 से 1 मिनट के लिए इसको मैं सिर्फ दम पे रख के उसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा स्पाइसी मटन रेडी हो चुका है। आप बनाएं। अल्लाह हाफिज़।